हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कॉन्टैक्ट, करंट फीलिंग्स योर पार्टनर। मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड कर दी हैं, कल रात आप लोग जाके उसको भी वॉच कर सकते हैं। और मैं थोड़ी सी सॉरी इंस्टाग्राम के लिए, क्योंकि मेरी लाइफ थोड़ी सी टफ हुई हुई थी, उसके बाद मेरी तबीयत और फिर यूट्यूब, उसके बाद इंस्टाग्राम, तो ये सब कुछ संभालना मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमिस्टिक हुआ हुआ था। ठीक है, तो मैंने कल रात आप लोग के लिए, मतलब के इंस्टाग्राम पे भी, मैं आपको पता है क्या, मैं कभी भी छोटी रीडिंग नहीं बनाती इंस्टाग्राम के लिए भी। मेरे पास कंटेंट में थोड़ा सा इतना करती हूँ कि आपको बात समझ में आए। ठीक है, 1 या 2 कार्ड का कंटेंट नहीं डालती। मैंने देखा है अक्सर लोग इंस्टाग्राम पे 1 या 2 कार्ड का कंटेंट अपलोड करते हैं मेरा। आप जब तक मुझे एक, मैं सोचती हूँ कि जब हम काम करते हैं तो थोड़ा ठीक से करें। आपको माइंड में, मतलब कि अगर इंस्टाग्राम पे 1 मिनट का, तो मेरा आप देखिएगा 3 मिनट का, 4 मिनट का कंटेंट होता है, या 2 मिनट का, 2.5 मिनट का, इतना तो रहता ही रहता है, ताकि आप लोगों को बात समझ में आए। तो मुझे एक हर काम के लिए टाइम चाहिए होता है। ठीक है, मैं हर काम आराम से करना चाहती हूँ और अच्छे से करना चाहती हूँ। जब इंसान कोई काम करता है तो मेहनत से करे तो तभी सफल होता है, तभी कामयाब होता है। ठीक है, तभी सक्सेस मिलती है। तो मेरा दिमाग ये है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा, जब बिजी मेरा शेड्यूल था तो मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही थी। अब मैंने उसको टाइम देना स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह मैं आगे भी देती रहूँगी और अपनी पूरी कोशिश करूँगी, जैसे मैं करती आ रही हूँ, कि आप लोगों को आराम से यहाँ पर हर चीज़ समझ में आए। ठीक है, आप लोग को सेटिस्फेक्शन मिले। और कुछ लोग हैं जो बीच बीच में थोड़ा सा इरिटेट करते हैं मुझे, वो लोग भी प्लीज़ ज़रा आप लोग भी अच्छे से हो जाएं, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बैठती हूँ आकर। ठीक है, तो आप मेरा साथ दें, मैं आपका साथ दे रही हूँ। ठीक है, चलें, हम रीडिंग कर रहे हैं नो कांटेक्ट पे। ठीक है, नो कांटेक्ट में करेंगे कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस नो कांटेक्ट को लेकर, और आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है इस नो कांटेक्ट को लेकर। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। आप लोग की सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। आपको अगर रीडिंग अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जिसको ज़रूरत है आप उसको शेयर करा करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। ठीक है, और एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, इस चीज़ को भी सोचा करें। कभी कभी लोग लिख देते हैं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो आप थोड़ा सा सोचा करें। वैसे मेरे ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर हैं, माशाल्लाह, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत क्यूट हैं और सब बहुत साथ देने वाले हैं। ठीक है, सब साथ, और मुझे कमेंट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। मुझे बहुत एक माइनर सा, 100 में से मुझे 1% नेगेटिव कमेंट होता है। चले, कोई बात नहीं, ऐसा जहाँ थोड़े से नेगेटिव लोग ना हो तो वो दुनिया कैसे लगेगी फिर? हम दुनिया में तो नहीं है ना, जहाँ हम नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों एक साथ ना देखें। तो हम वैसे भी फाइटर हैं, कोई मसला नहीं, आने दें उन लोगों को भी, ऐसा ही है ना। चलें, ठीक है, नो कांटेक्ट पे रीडिंग करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इसमें सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप से रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, चेक करते हैं नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आपको लेकर क्या फीलिंग्स है स्नो कांटेक्ट में। पीस एंजल्स एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए स्नो कांटेक्ट में मेरे व्यूवर के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए क्या हैं। स्नो कांटेक्ट में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। माय एंजल्स एंड स्पीड गाइड, ओके, आपके पर्सन आपको सक्सेसफुल होता हुआ देखना। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ये नो कॉन्टैक्ट आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा। ठीक है, मतलब कि ये पर्सन देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, इस पर्सन से दूर हैं, अकेले हैं, खुश हैं। आपने एक सरेंडर कर दिया इस कनेक्शन को, या यहाँ पर जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है आपने सरेंडर कर दिया है। आप एक इंडिपेंडेंट होके बहुत ज़्यादा खुश हैं, मतलब कि आपके ऊपर कोई बैगेजेस या कोई बर्डन नज़र नहीं आ रहा इस पर्सन को स्ट्रांगली। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत एक पॉजिटिव लाइट और पॉजिटिव एनर्जी में देख पा रहा है, और सच में यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ब्राइट एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूवर के पर्सन की एनर्जी, ये पर्सन होल्ड बैक कर रहा है अभी भी।
ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन इस वक्त भी होल्ड बैक कर रहा है, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, इस नो कॉन्टैक्ट को चाहिए, ये पर्सन खत्म कर सकता है, ठीक है, अभी भी होल्ड बैक करके बैठा है यहाँ पे। कोई स्ट्रांगली इसकी फैमिली का प्रॉब्लम है, फैमिली इशू है, फैमिली ये पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिली कंट्रोल करती है, इसको कहीं ना कहीं इसकी फैमिली में कोई ना कोई कंट्रोल ज़रूर करता है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, किसी के कंट्रोल में है ये पर्सन, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करता है, इमोशंस हैं इस पर्सन के, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, कोई न्यू स्टार्ट ज़रूर करना चाहता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे पास्ट में आपको ऐसा फील होता हो इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, कोई थर्ड पर्सन है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आई। अब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है, एक तरफ अपने आप सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में, और एक तरफ आपका दिल है जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, जो बहुत ज़्यादा एक तकलीफ में है, जो बहुत ज़्यादा हर्ट है। आपको ऐसा लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन आपको जगल कर रहा है, यहाँ पर किसी सिचुएशन का एंड हो रहा है इसकी लाइफ में स्ट्रांगली, ठीक है, एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाने के लिए इस पर्सन की लाइफ में कोई चीज़ एंड हो रही है, ड्यूअलिटी एंड हो रही है, थर्ड पार्टी एंड हो रही है, यहाँ पे कन्फ्यूजन एंड हो रही है, किसी ना किसी तरीके की इस पर्सन की लाइफ में भी एंडिंग चल रही है, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एक डेथ, मतलब किस पर्सन को एक सही तरीके का सोच, सही तरीके से सोचने का तरीका समझ में आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होता था अपनी फैमिली से, अगर बहुत ज़्यादा अपनी अपनी ख्वाहिशात, अपनी एक अपने दिल की आवाज़ को छुपाता था आपसे भी और अपनी फैमिली से भी, तो ये अब समझ रहा है कि कोई भी इंसान कोई रोबोट थोड़ी है कि कुछ भी कोई कह देगा और उसके उस पर वो सारी ज़िंदगी गुजार लेगा। शायद ये पहले कभी ज़माने में होता होगा, लेकिन इस टाइम फ्रेम पे हर पर्सन अपनी पसंद मन पसंद चीज़ करना चाहता है, इवन के वो खाना मन पसंद खाता है, कपड़े अपने पसंद के पहनता है, वो आउटिंग अपनी पसंद की पसंद करता है, तो यहाँ पे फीमेल और मेल अपने पसंद का क्यों नहीं। मुझे फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव लग रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल लग रही है, आपके ट्रेडिशनल का डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये पर्सन अपनी अपनी फैमिली के सामने खामोश रहता है, ये जो भी इसकी फैमिली चाह रही है चाहता है कम्प्लीटली वहाँ पर ख़त्म हो जाए, एक डेथ आ जाए, यहाँ पर ये पर्सन स्टेबिलिटी नहीं चाह रहा, ठीक है, ये पर्सन देख रहा है आप खुद को हील कर रहे हैं, इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, या आपको आपने सरेंडर कर दिया, ठीक है, आपको पता है या नहीं पता है, आप अपनी लाइफ में आप खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहा है मेरे व्यूअर को लेकर, इमोशंस तो हैं लेकिन ये कंट्रोल होल्ड बैक कर रहा है अपने इमोशंस, अपना लव, अपना केयर, अपने पैशंस, क्योंकि इसकी फैमिली, ठीक है, यहाँ पे कोई मदर फिगर, कोई फैमिली हो सकती है स्ट्रांगली जो इसको कंट्रोल करना चाहती है, जो इसको मैरिज कहीं और कराना चाहती है अपनी फैमिली में ही, या तो यहाँ पर आपके लिए इसको अप्रूवल नहीं दी जा रही, ठीक है, ये आपको जस्टिस देना चाहता है, आपको जस्टिस में कोई स्टेबल ऑफर देना चाहता है। ये पर्सन जानता है यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल हैं, आपको लगता है ये पर्सन जस्टिस नहीं दे सकेगा, आपको लगता है यहाँ पर ये पर्सन कुछ ना कुछ हाइड करता है, आप जब भी बात करते हैं आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिलती इस पर्सन से बात कर कर, ठीक है, तो आप अपने माइंड में खुद क्लैरिटी को क्रिएट कर रहे हैं और इससे दूर हो रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये नज़र आ रहा है आपने माइंड में आप इतने कन्फ्यूज हैं, आप इसके जेस्चर से, आप इसके बिहेवियर से, आप इसके मिक्स सिग्नल से, आप अपनी लाइफ में अपने आप को क्लियर रखना चाहते हैं, क्लैरिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप एक डिस्टेंस पे जा रहे हैं इस क्लैरिटी की वजह से, इस मैनिपुलेशन की वजह से, इस नेगेटिविटी और इस बैक स्टेपिंग की वजह से आपको बैक स्टेप फील होता है, आपको ऐसा लगता है आपने बहुत इन्वेस्ट किया, ऐसा हो सकता है मनी से भी आपने बहुत इन्वेस्ट किया हो, बहुत पैसा गिफ्ट के थ्रू दिया हो, किसी भी चीज़ के थ्रू दिया हो, मतलब कि अब आपको ऐसा लगता है अब आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए खुद को, ये पर्सन जानता है, आप जस्टिस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ठीक है, और लेट्स सी देखते हैं क्या होल्ड कर रहा है ये पर्सन, क्लैरिफाई एक टाइम, क्या होल्ड कर रहा है ये पर्सन, क्लैरिफाई फोर ऑफ पैंटिकल, क्लैरिफाई फोर ऑफ पैंटिकल, ये पर्सन क्या होल्ड कर रहा है, डिसीजन होल्ड कर रहा है, इस पर्सन को कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, एक अहम डिसीजन लेना है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच है, आपसे बात नहीं कर रहा, अपने आप को मेंटली स्टकनेस, काफ़ी टाइम से स्टकनेस, इसके दिमागी स्टकनेस को आप आज तक समझ नहीं पाए, ये मसला क्या है इसके माइंड में, बार बार आप किसी से रीडिंग निकलवाएं या तो आप किसी से रीडिंग करवाएं या रीडिंग सुने तो मेंटली स्टकनेस आती है, मेंटली इशूज़ आते हैं, वो इसकी फैमिली के इशूज़ है, इसकी फैमिली कहीं और मैरिज करवाना चाहती है या इसकी फैमिली अपनी फैमिली में कहीं कुछ और इसका सेट कराना चाहती है, ठीक है, तो इसकी फैमिली इशू है, ये आपसे कोल्ड रहता है, डिटैच रहता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे टू ऑफ पैंटिकल हमने पहले भी देखा था, इसने कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी, ठीक है, इसने आपको वो वैल्यू, वो वर्थ, वो सब कुछ नहीं दिया जिसको आप डिजर्व करते थे, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला प्रॉब्लम ये है।
क्लैरिफाई टैन ऑफ पेंटिकल, देखते हैं फैमिली क्या चाह रही है इससे। क्लैरिफाई टैन ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई टैन ऑफ पेंटिकल, ये डिसीजन को, किसी डिसीजन को होल्ड बैक कर रहा है। इसको कोई डिसीजन लेना है, या तो अपनी फैमिली की बात सुननी है, या तो आपकी तरफ आना है, ठीक है। इसको कुछ डिसाइड करना है, क्लैरिफाई, और जो कुछ भी है, और आप जैसे इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं तो कर लीजिएगा। वैसे आपको इसके फ्रेंड सर्कल इधर उधर आप देखिए, आपको कहाँ से क्या पता चल सकता है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कॉल लिस्ट निकलवा लेनी चाहिए। अगर यहाँ पर आप कॉल लिस्ट निकलवा सकते हैं, जिसके भी डाउट है, कोई भी आपका पार्टनर है, कहीं भी आप बहुत टाइम से स्टक हैं, तो उस पर्सन की कॉल लिस्ट निकलवा लें। कहीं नंबर दें आप और कॉल लिस्ट निकलवा लें, साफ साफ आपके सामने बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये एक आइडिया है मैंने आपको दिया है, आप इसको काम कर सकते हैं। पैसे लगेंगे, किसी भी कंट्री का होगा, लेकिन आप कोई एक प्रॉपर नंबर होना चाहिए इस पर्सन का, जो एनी टाइम ऑन रहता है, उसकी कॉल लिस्ट आप निकलवा सकते हैं। अगर अपनी लाइफ में आप कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हैं, आपके सालों गुजर चुके हैं, अपनी फैमिली, आपकी फैमिली इधर उधर, चीज़ें आपकी स्टक चल रही हैं, तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी सीनियर्स की फैमिली रिलेटेड है, ठीक है, क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल, आगे और हम देख लेते हैं। क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल यहाँ पे स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। इसकी फैमिली यहाँ पे बहुत ज़्यादा, या तो जहाँ फैमिली इसकी मैरिज करना चाह रही है, वो रिच हैं, ठीक है, वो रिच हैं वो लोग, और वो जो भी पर्सन है इसके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, इसका पास्ट, इसका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है, इसकी फैमिली रिलेटेड कोई कज़न मैरिज हो सकती है, कोई कज़न हो सकता है, कोई चाइल्डहुड, कोई ये जानता है चाइल्डहुड से, ऐसा पर्सन हो सकता है जहाँ से इसकी फैमिली इसकी मैरिज करवाना चाहती है, जहाँ स्टेबिलिटी चाहती है, स्टेबल हो, जहाँ ये अपनी कमिटमेंट दे, वहाँ मनी के लिहाज से भी स्टेबिलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से इसकी फैमिली चाह रही है। बिल्कुल यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है, मदर फिगर इन्वॉल्व है स्ट्रॉन्गली, यहाँ पर कोई ना कोई मदर इन्वॉल्व है, किसी की मदर इन्वॉल्व है। इस पर्सन की मदर हो सकती है जो चाहती है इसकी फैमिली वहाँ शादी हो, या वहाँ ये कनेक्ट हो, ठीक है। मैंने कहा था ना, यहाँ पर आपको फैमिली का इन्वॉल्वमेंट नजर आएगा। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, नो कॉन्टैक्ट में पर्सन क्या सोच रहा है, ये पर्सन आपसे सेकंड चांस चाह रहा है, ठीक है। इतनी स्ट्रेंथ गैदर करना चाहता है आपकी तरफ मूव, देखें टू ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे सेकंड चांस चाह रहा है। इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था पास्ट में, इस कनेक्शन को, जिस कनेक्शन को ये पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया था, ये आपकी तरफ बेहद दिल से खींचा चला आ रहा है, दिल से अट्रैक्ट हो रहा है, ये आपकी तरफ खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, मतलब कि ये आपके साथ कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता है, ठीक है। ये आपके साथ एक टू ऑफ कप्स चाहता है, ये आपके साथ कोई बिगनिंग करना चाह रहा है, ठीक है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है इसका दिल, इसकी सोल बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड है, आपके साथ एक मैरिज को लेकर ये कम्प्लीटली सोच रहा है, ठीक है। पास में ऐसा हो सकता है ये चीज़ें इसने उस तरीके से समझी नहीं है, या तो उस तरीके से इसने वो करा नहीं है, तो ये कनेक्ट होना चाह रहा है इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशंस हैं, इमोशंस, इमोशनली आपको इसने रिजेक्ट किया, या इमोशनली इसने आपको डैमेज किया, या इमोशनली इसने आपको हर्ट किया, ये इमोशनली बैलेंस चाह रहा है इस टाइम फ्रेम पे आपके साथ, ठीक है। जिसने शायद पास में इसने वो उस तरीके से आपको समझा नहीं, उस तरीके से आपको, आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करा, इस वक्त ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी तरफ सेकंड चांस चाहता है, आपकी तरफ कनेक्ट होना चाहता है, आपको बहुत ज़्यादा पावर में देख रहा है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। इतनी इसको स्ट्रेंथ चाहिए आपके सामने आने की, आपसे कनेक्ट होने की, ठीक है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स क्यों है, ये मेहनत करना चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है। ये मेहनत करना चाहता है इस पर्सन, ये पर्सन इस कनेक्शन में, इसने पास में मेहनत नहीं करी है, पास में ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था, पास में इसके पास क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब ये मेहनत करना चाहता है, काम करना चाहता है, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। क्लैरिफाई जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड क्यों है, हर्मिट, यहाँ पे इस पर्सन को जस्टिस करना है, ठीक है। ये बात इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है, इसको इस कनेक्शन में जस्टिस लाना है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप इस पर्सन से जस्टिस चाह रहे हैं, और आप एक हर्मिट पोजीशन में, आप मेडिटेट कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रहमतुल्लाह, आप मेडिटेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा आप मेडिटेट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं खुद को, और आपको एक बात समझ में आ चुकी है, जहां पर इक्वल गिव एंड टेक ना हो, जहां पे बैलेंस ना मिल सके, वहां इन्वेस्ट नहीं करना खुद को, ठीक है।
वहाँ कुछ भी अपना 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 मनी, अपना पैसा, या तो अपनी फीलिंग्स, अपने अपनी सोचों को या अपने एहसास को इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ रही है? आप हील हो रहे हैं, लेकिन अब आप कुछ भी नेक्स्ट चाहेंगे तो एक बैलेंस चाहेंगे। मैनिफेस्टेशन आपकी, आपको जो एक हीलिंग मिल रही है, आप जो अकेलेपन में कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो आप इसलिए इस अकेलेपन को, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब तक राइट पर्सन नहीं होगा, आप उसको एंट्री नहीं देंगे अपनी लाइफ में। कोल है, डिटैच है अपनी लाइफ में, आप कुछ बैलेंस कनेक्शन या बैलेंस रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप इस पर्सन को तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है? क्लैरिफाई एस ऑफ पैंटिकल, ये पर्सन क्या सोच रहा है? ये पर्सन भी सब कुछ जानता है बहुत अच्छे से। ये पर्सन आपको कोई मैरिज ऑफर देना चाहता है। फोर एस ऑफ पैंटिकल एंड फोर ऑफ पैंटिकल, फोर ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपको कुछ कमिटमेंट के लिए आपसे बात करना चाहता है और आपको कुछ ऑफर देना चाहता है। ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल देखता है, लेकिन इसका आपसे कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फीलिंग ऑफ लॉस है, आप लोग के बीच डिस्टेंस आ चुका है। इमोशनल लॉस में ये पर्सन परेशान है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्मिक सिचुएशन एंड हो चुकी है। आपका कोई कार्मा जुड़ा था इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा, आपने कार्मिक चीज़ों को फील करा है, ठीक है? वो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं और वो चीज़ें यहाँ पर एंड होनी भी चाहिए थी, ठीक है? मैरिज तो करना चाहता है पर्सन, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। किस तरीके से बात करें आपसे, कैसे बात स्टार्ट करें, कहाँ से करें। फीलिंग ऑफ लॉस है, अकेलेपन का एहसास है। कहीं कहीं ये भी लग रहा है सिचुएशन एंड हो चुकी है। ये कार्मिक कॉर्ड्स आप लोग के कट्स हो चुके हैं। अब आप लोग अपनी लाइफ में आज़ाद हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। अब आपको इस पर्सन की फिक्र नहीं होती। सबसे ज़्यादा ये पर्सन आपके पास्ट वाला सेल्फ सेल्फ जो है ना, मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी पे, ठीक है? यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो सकता है आपके कनेक्शन में, स्नो कॉन्टैक्ट में? भाई ये पर्सन स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशन कर रहा है आपको लेकर, आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपसे मैरिज मैनिफेस्ट कर रहा है। फोर ऑफ फैंस, फोर ऑफ फैंस, स्ट्रांगली पर्सन आपसे शादी चाहता है। यहाँ पर कुछ आपके लिए डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है, या आपका वेट कर रहा है, ठीक है? लवर, ये पर्सन आपको एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप में देख रहा है। बहुत ज़्यादा सोलमेट वाली एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। टाइम चेंज हो चुका है, इस पर्सन का लव आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? आपका आपका कोई माइंड नहीं रहा, आपका कोई इस पर्सन से रिलेटेड कुछ वो नहीं रहा। आप कोल्ड हैं, डिटैच हैं, ठीक है? आप इस पर्सन से कोल्ड हैं, डिटैच हैं। आप लोग के बीच डिफरेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग के बीच कुछ नहीं हो पा रहा, ठीक है? ये पर्सन आपको जगल कर रहा था, इसलिए आपके आपसे बहुत ज़्यादा डिफेंसिव था, ठीक है? इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और था, इसलिए आपकी लाइफ में वॉक अवे करके गया था। पास में टावर की एनर्जी मैंने निकाला, ये पास में आपकी तरफ से क्यों मूव ऑन किया था, यहाँ पे लवर का कार्ड क्यों था। यहाँ पे टावर मूवमेंट, जो आपने सडन टावर मूवमेंट जिस पर्सन के साथ जो फेस किया था, ये आपको जगल कर रहा था। ये आपकी लाइफ से डिफेंसिव इसलिए हुआ था, ये वॉक अवे इसलिए करके गया था, क्योंकि इसकी लाइफ में कोई और था, इसने किसी और को चूज़ करा था आपके ऊपर, ठीक है? इसने किसी और को वो वैल्यू दी थी जो आप वैल्यू इसको कम्प्लीटली अपनी ज़िंदगी में इसको दे रहे थे, ठीक है? बिल्कुल। इस पर्सन को यहाँ पर कोई स्टेबल पर्सन, मैंने वही बात करी, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। जैसे यहाँ पर कोई अच्छा स्टेबल पैसे कमाने वाला इंसान, स्टेबिलिटी वाला इंसान, इसलिए इस पर्सन ने स्टेबिलिटी के लिए इस कनेक्शन को छोड़ दिया। इस पर्सन को कोई अच्छा वेल्दी वेल्दी वूमेन या वेल्दी मैन मिल गया, पैसों से रिलेटेड कोई स्टेबिलिटी, मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसा है, इसने स्टेबिलिटी की खातिर छोड़ा है, ठीक है? इस कनेक्शन को इसने पास में स्टेबिलिटी की खातिर छोड़ा है। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकिंग सिचुएशन रही, आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड रहे, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा था आपको करना क्या चाहिए, ठीक है? आप क्लियर हैं, अब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लियर है। आप बहुत ज़्यादा अब अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, स्लोली बट श्योरली आप लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं। आप कन्फ्यूजन से बाहर निकल चुके हैं, अपनी लाइफ की नेगेटिविटी से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है आपकी तरफ। नाइट ऑफ पैंटिकल, बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो रहा है, अट्रैक्टिव हो रहा है। ये पर्सन आपको नहीं चाहता, आप न्यू बिगनिंग करें, आप किसी और के साथ कनेक्ट हो। इस पर्सन को पता है आप इससे दूर जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है आप अपनी लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। आपके बिना खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है? सेकेंड चांस चाहता है जजमेंट के साथ, एक स्ट्रांगली यहाँ पर एक सेकेंड चांस चाहता है ये पर्सन, ठीक है? क्लैरिफाई द मैजिशियन, ये पर्सन नहीं चाह रहा आप अपनी लाइफ में आगे जाएं। ये पर्सन स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये स्टक है आपके ऊपर, ठीक है? मैरिज कमिटमेंट को लेकर ये आपके ऊपर स्टक है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहा, ठीक है? यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पे है दी चैरियट, एक्शन लेना चाह रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है। स्ट्रेंथ, इसके पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं हो पा रही, ठीक है? ये बैलेंस चाह रहा है अब आपके साथ,
चीजें आपके फेवर में टर्न हो चुकी हैं, लेकिन आप एक न्यू साइकिल, आप इस साइकिल को क्लोज कर चुके हैं, आप दोनों के बीच कोई न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, ये पर्सन वेट कर रहा है, आपको पता है, आपने कभी इस पर्सन का वेट किया था ना, ये वेट कर रहा है, आप यहाँ बैलेंस में नजर आ रहे हो और ये पर्सन वेट कर रहा है आपका, ठीक है, कि शायद आप कनेक्ट करेंगे, आप अपनी लाइफ में एक जीरो से और एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में टू ऑफ कप्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने जा रही है, आप कोई यहाँ पर इमोशनल पार्टनर, इमोशनल पर्सन अपनी ज़िंदगी में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा फेयरफुल हैं, देखें यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल हैं, आप इसको, आप इससे वॉक अवे कर रहे हैं, आप इसकी चीटिंग से, इसकी डिसेप्शन से आगे जा रहे हैं, आपको जस्टिस मिले ना मिले, आपने आपको जस्टिस ये दे रहे हैं, आप इस सिचुएशन को अपने हाथों से ख़त्म कर रहे हैं, इस कन्फ्यूजन को अपने हाथों से एंड कर रहे हैं, आपको सच पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको ये पता है यहाँ पर आपके अलावा कोई और था, आप इस पर्सन से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अपने बैलेंस को चूज़ कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग को चूज़ कर रहे हैं, अपने किसी और पर्सन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है जो आपको एक इक्वल बैलेंस लव प्रोवाइड करेगा, जो आपके साथ एक बिगनिंग करना चाहेगा, आप इस पास्ट पर्सन को नहीं देखना चाह रहे इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, स्नो कांटेक्ट में बहुत कुछ चल रहा है, आपको अगर आप यहाँ पर बहुत ज्यादा चिल हो चुके हैं, अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप अपने सक्सेस पे ध्यान देते रहे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देते रहे, इस कनेक्शन में ये पर्सन एक स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, ठीक है, अगर आपने पास्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखा है और हमेशा इंतजार करा इस पर्सन का, तो अब चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल बिगिन है, पास्ट की नेगेटिव साइकिल आप अपने हाथ से ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आप जो आपने डिटैचमेंट जितना स्ट्रांगली आप मूव ऑन कर रहे हैं इस पर्सन से, वो एक तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और आप जो एंड कर रहे हैं सारी अपनी फीलिंग्स को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे रेड फ्लैग्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, कब तक आप इस चीज़ को देखेंगे, कब तक यहाँ पर इस चीज़ों को आप बार बार सॉल्व करते रहेंगे, आपके लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन में, नेवर एंडिंग स्टोरी, राउंड एंड राउंड, आप लोग का कनेक्शन बार बार एक ही पॉइंट से शुरू होता है और एक ही पॉइंट पे खत्म हो जाता है आकर, लेकिन आप चेंज करना चाहते हैं, द फेट, आपने पास में बहुत यकीन किया था ये आपका सोल काउंटर पार्ट है, ये आपका पर्सन है, या आपका फ्यूचर स्पाउस है, आपकी इसके साथ जिंदगी या आपकी इसके साथ आने वाला फ्यूचर कनेक्टेड है, इस पर्सन को ऐसा लगता है नेवर एंडिंग स्टोरी, ठीक है, टू बी फेयर, इस पर्सन को पास में ऐसा लगा था आप इसके लिए नहीं है, चीजें खत्म हो चुकी हैं बुरे तरीके से यहाँ पर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपकी कोई साइकिल स्टार्ट हो रही है इसी पर्सन के साथ, अब आप लोग देखिएगा किसकी हो रही है और किसकी नहीं हो रही, नेवर एंडिंग स्टोरी, सबसे ज्यादा पीस आपके इसी कनेक्शन में पीस आ सकता है, ये पर्सन आपको कन्विंस कर सकता है इस कनेक्शन के लिए पॉइस्ड, ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है, मैसेज इन अ बॉटल, कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है इस पर्सन की तरफ से स्ट्रांगली, ऑब्जर्वर, ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, दूर से बैठकर कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नजर बनाया हुआ है, स्टॉकिंग सर्चिंग स्ट्रांगली चल रही है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, थिंकिंग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, ये आपके बारे में सोचे चले जा रहा है और स्ट्रांगली सोचे चले जा रहा है, और क्लैरिटी इस पर्सन को मिल चुकी है आपसे क्या चाहता है, आपको अपनी लाइफ में क्यों रखना चाहता है, आपको ऐसा लग रहा है नॉट फॉर यू, ये पर्सन आपके लिए नहीं है, और इस पर्सन को लग रहा है और आप ही इसी के लिए, ठीक है, आप लोग के बीच अब एक गैप आ चुका है, एक गैप बन चुका है, ठीक है, एक ह्यूज गैप है यहाँ पर, आप दोनों के बीच एक गैप बन गया है, लच्छी देखते हैं अगर ये आपको कोई मैसेज देना चाहे तो क्या मैसेज देगा, अगर ये पर्सन मेरे व्यूवर को कोई मैसेज देना चाहे तो वो क्या मैसेज देगा, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, ये अगर पर्सन मेरे व्यूवर को कोई मैसेज देना चाहे तो क्या मैसेज देगा, माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, थर्ड पार्टी, आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, स्ट्रांगली यहाँ पे ये थर्ड पार्टी को डील कर रहा था, ठीक है, कंफ्यूज, देखिए मैंने कहा ना ये कंफ्यूज था, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहा इस कनेक्शन में ये आपके लिए, माई सोल क्रेविंग फॉर यू, ये पर्सन, इस पर्सन की सोल आपके लिए क्रेविंग कर रही है और ये आपकी तरफ यहाँ पे थर्ड पार्टी को ख़त्म करके आना चाहता है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया यहाँ पे थर्ड पार्टी है, हार्ड हेडेड, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से का तेज हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला इसका माइंड है, ब्रोकन ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट ब्रोकन हो चुका है, ठीक है, आप बिल्कुल इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, यू हैव टू वेट, क्या
कि आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा आप वेट करने वाले हैं, ये पर्सन बेवकूफ़ है। ठीक है, फादर फिगर, कोई फादर फिगर यहाँ पर, मैंने कहा ना यहाँ पे फैमिली इशू है। देखिए कैसे कार्ड्स एक दूसरे को क्लैरिफाई कर रहे हैं। मैंने आगे जो आपको बताया, पार्टेड अवे, आप लोग एक दूसरे से जुदा हो सक चुके हैं, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है। ठीक है, नो प्लेस फॉर यू इन देयर हार्ट, आपके पर्सन को एक पीस, एक आपके जैसे दिल की जगह कोई नहीं लगती। ठीक है, ये पर्सन आपको सिंगल देख रहा है और इंडिपेंडेंट देख रहा है, आप हील हो रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप खुश हैं, इसके बिना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जितना इसने टाइम लेकर इस कनेक्शन को बर्बाद करना था कर दिया, मैरिज, यहाँ पे कोई ना कोई मैरिज का प्रॉब्लम है। ठीक है, आई वॉन्ट यू बैक, ये पर्सन आपको वापस चाहता है, आई वॉन्ट यू बैक मैरिज। ठीक है, एंड फोकसिंग ऑन कैरियर, ये पर्सन देख रहा है आप बहुत ज़्यादा फोकस है अपनी लाइफ पे, अपने कैरियर पे, आपके गोल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे है कॉम्प्रोमाइज़, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करा इस पर्सन के साथ। ठीक है, आपने बेहद कॉम्प्रोमाइज़ करा, आप अब तक कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ही चल रहे थे, चलें। ठीक है, इस रीडिंग को यहीं पर रखते हो, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी चेंज के लिए लाइक कमेंट हमारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।